हमने अपने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ा था, इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ा और इस बात को भी जाना कि इलेक्ट्रोड विभव किन दो रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है। आज हमें पढ़ना है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को मानक इलेक्ट्रोड विभव के साथ। तो हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव से ही आसानी से समझ सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रोड विभव के विषय में नॉलेज है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को पहचानना या पढ़ना कोई कठिन काम है ही नहीं। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में डिफरेंस क्या होता है या इलेक्ट्रोड विभव से मानक इलेक्ट्रोड विभव हम कैसे पहचान पाए, तो मैं कुछ देर के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव के विषय में बताता हूं, इसके बाद जस्ट फिर हम लोग बात करेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस बात को पढ़ा था, मैं इधर बना देता हूं कि अगर आपके पास कोई कुचालक पात्र है, आप उसमें किसी धातु की क्षण को डुबाते हो और धातु की क्षण को डुबाते हो उसी के लवण के जली विलयन में। अगर मैंने एम नाम के मेटल अर्थात धातु को डुबाया है उसी मेटल के जलीय विलयन, जलीय विलयन को कैसे लिखते हैं, एम एन प्लस चार्ज से। तो आपने इस बात को देखा था कि मेटल को मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में डुबाने पर या तो धातु की छड़ पर धनावेश आ जाता है या धातु की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है। धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाने के कारण धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता था। इस विभवांतर को ही हम कहते थे इलेक्ट्रोड विभव। अभी मानक को छोड़ते हैं, उस विभवांतर को कहते थे इलेक्ट्रोड विभव। और फिर आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोड विभव जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति पर डिपेंड करता था, विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता पर डिपेंड करता था, उस पर आरोपित ताप और दाब की मात्रा पर निर्भर करता था। अर्थात अगर हम किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड विभव के लिए अगर मैं धातु की प्रकृति को चेंज कर देता हूं तो इलेक्ट्रोड विभव बदल जाएगा। धातु में अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं तो इलेक्ट्रोड विभव बदल जाएगा। यदि मैं इस अर्धशेल के लिए या सॉल्यूशन की सांद्रता को चेंज कर देता हूं तो इलेक्ट्रोड विभव बदल जाएगा। अगर मैं इस पर आरोपित दाब को भी बदल दूं तो भी इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन आ जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं इन चारों में से किसी राशि को चेंज कर देता हूं, किसको किसको, ताप को, दाब को, धातु की प्रकृति को और विलयन की सांद्रता को, अगर चारों में से मैं किसी भी चीज को चेंज कर देता हूं इलेक्ट्रोड विभव के मान में क्या आ जाएगा, परिवर्तन। तब अब मुझे यह समझ लेना चाहिए कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। अगर किसी भी इलेक्ट्रोड को उसके लवण के सॉल्यूशन में डुबाने पर वोल्टेज विभवांतर उत्पन्न हुआ है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यदि इलेक्ट्रोड या इस पूरे अर्धशेल के ताप को 25 डिग्री सेल्सियस रखा जाए, इसमें जो सॉल्यूशन भरा है साल्ट का उस सॉल्यूशन की सांद्रता को 1 मोल प्रति लीटर रखा जाए, 1 मोल प्रति लीटर को 1 मोलर सॉल्यूशन भी कहते हैं, 1 मोलर विलयन भी कहते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, अगर मैं इस इलेक्ट्रोड के टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस, विलयन की सांद्रता को 1 मोल प्रति लीटर कर देता हूं और इस पर लगने वाला जो वायुमंडलीय दाब था, वायु के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लग रहा था प्रेशर, अगर मैं इसको 1 वायुमंडल कर देता हूं, 1 वायुमंडल को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे लिख देते हैं, एटीएम से। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल प्रति लीटर की सांद्रता पर और 1 वायुमंडलीय दाब आरोपित होने पर निकालूं तो इलेक्ट्रोड विभव के उस मान को क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूं, यदि किसी अर्धशेल का ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो, अर्धशेल का मतलब यह डिवाइस, अर्धशेल का ताप 25 डिग्री सेल्सियस, अर्धशेल में भरे हुए विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो और उस विलयन पर आरोपित होने वाला वायुमंडलीय दाब 1 वायुमंडल हो, तो इस प्रकार से बने अर्धशेल के विभव को ही हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव में इलेक्ट्रोड विभव को निकालने के लिए
कुछ मानक अवस्थाएं होनी चाहिए। कौन कौन सी मानक अवस्था होनी चाहिए आप समझ गए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन सांद्रता कितनी होनी चाहिए 1 मोल प्रति लीटर, और जो प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 वायुमंडलीय दाब। इस अवस्था में किसी भी इलेक्ट्रोड का जो विभव होगा, इलेक्ट्रोड के उस विभव को क्या कहा जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ध्यान रखिएगा, इनमें से अगर कोई भी सिचुएशन फॉलो नहीं करता है इलेक्ट्रोड विभव, तो फिर हम उस इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं कह सकते। एक इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव तब बनता है जब वो इन परिस्थितियों को पूर्ण रूप से फॉलो करके ले जाता है। अगर वो इन परिस्थितियों को फॉलो कर रहा है तो इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो देखिए मैंने जो बताया मैं वही लिखता हूं, क्या लिखते हैं, यदि यदि किसी इलेक्ट्रोड का ताप, यदि किसी इलेक्ट्रोड का ताप 25 डिग्री सेल्सियस तथा विलयन की सांद्रता, तथा विलयन की सांद्रता 1 m, 1 m का मतलब है 1 मोल प्रति लीटर या 1 मोलर सांद्रता, सांद्रता 1 m है और उस विलयन पर आरोपित दाब 1 वायुमंडल है, 1 वायुमंडल दाब को आप 1 atm भी लिख सकते हो, दाब 1 वायुमंडल है, तो इलेक्ट्रोड के इस विभव को, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इसका मतलब मैं समझ गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोड विभव ही है, बशर्ते अगर इलेक्ट्रोड विभव को कुछ विशेष परिस्थितियों में निकाला जाए। तो इलेक्ट्रोड विभव को कुछ विशेष परिस्थितियों में जब निकाला जाता है, हम ऐसे इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, और मानक इलेक्ट्रोड विभव को निकालने के लिए दी गई विशेष परिस्थितियां आपके सामने लिखी हुई हैं, आप उसको समझ गए होंगे। अभी मैं क्या देखता हूं कि जब हमने इलेक्ट्रोड विभव को लिखा था, मैंने इलेक्ट्रोड विभव के सिंबल को कैपिटल ई से लिखा था, अभी मैं क्या करता हूं, मैं चेक कर लेता हूं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और फिर इसकी यूनिट क्या रहेगी। तो मैं आगे लिखता हूं, मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई नॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और भी एक चीज और लिख लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, जबकि इसका मात्रक, वोल्ट होता है, यह भी क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव एक प्रकार का विभवांतर ही है,
और क्योंकि मानक इलेक्ट्रॉन वो एक प्रकार का विभवांतर है, इसका भी मात्रक वही होने वाला है जो विभवांतर का होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, मानक इलेक्ट्रॉन विभव का भी मात्रक वोल्ट। तो इस प्रकार से हमने मानक इलेक्ट्रॉन विभव को पढ़ा और इस बात को भी चेक किया कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो है वो क्या किसी भी परिस्थिति पर ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका आंसर आता है नहीं, मानक इलेक्ट्रॉन विभव के मान को हर एक परिस्थिति पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मानक इलेक्ट्रॉन विभव को ज्ञात करने के लिए एक विशेष परिस्थिति है, जब आप अपने इलेक्ट्रोड को 25 डिग्री सेल्सियस ताप, एक वायुमंडलीय दाब और एक मोलर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन पर बनाकर तैयार करते हो, केवल उस समय जो आपका इलेक्ट्रॉन विभव निकलेगा केवल उसी इलेक्ट्रॉन विभव को क्या कहा जाएगा, मानक इलेक्ट्रॉन विभव। अब मानक इलेक्ट्रॉन विभव के पढ़ने के बाद वैज्ञानिकों ने ताप, सांद्रता और दाब तीनों चीजों की वैल्यू, ताप, दाब और सांद्रता तीनों के मानों को इस परिस्थिति में फिक्स करके अलग अलग धातुओं, अलग अलग धातुओं का मतलब है कभी लिथियम के इलेक्ट्रोड का विभव निकाला, कभी पोटेशियम के, कभी सिल्वर के, कभी गोल्ड के, कभी प्लेटिनम के, कॉपर के, अलग अलग तरह तरह के इलेक्ट्रोडों के विभव को निकाला और उनके सबके मानक इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त किए। लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्राप्त करने के लिए या किसी भी इलेक्ट्रोड के विभव को प्राप्त करने के लिए आप इस बात को भी जानते हो, एक इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात कर पाना बहुत कठिन होता है। अगर बाय चांस मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मैंने यहां पर कॉपर का इलेक्ट्रोड तैयार किया है और कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव मुझे निकालना है, तो प्रॉब्लम इस बात की है सबसे बड़ी, अगर आप वोल्ट मीटर को चेक करते हो, भाई इलेक्ट्रोड विभव जिसका मात्रक वोल्ट होता है इसको नापेंगे कैसे, तो बात आती है इलेक्ट्रोड विभव या विभवांतर को ज्ञात करने का एक अच्छा सा तरीका है, इसे एक उपकरण की मदद से नाप सकते हैं जिसका नाम है विभव मापी। वोल्ट मीटर लगभग सभी के घरों में, ज्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि वोल्ट मीटर अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर मैं चेक करूं इस बात को कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोड अर्थात या ऐसा मान लेते हैं कि कॉपर के इलेक्ट्रोड को मैंने डुबाया, कुछ विभव डेवलप हुआ होगा, लेकिन इस विभव को हम नापें कैसे। अगर मैं इस विभव को किसी वोल्ट मीटर की सहायता से नापने की कोशिश करता भी हूं तो वोल्ट मीटर में आपने पीछे की ओर देखा होगा हिस्से पर, इसमें दो वायर लगाने की जगह होती है। अब मैं क्या सोचता हूं, अगर मेरे पास कॉपर है, मुझे अगर कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव निकालना या मानक इलेक्ट्रॉन विभव निकालना, तो मैं एक वायर से वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल को संबद्ध कर दूंगा, जोड़ दूंगा, लेकिन वोल्ट मीटर का जो दूसरा एंड होगा, एक और टर्मिनल होगा वायर लगाने का, मेरे पास वो वायर का एंड हमेशा कैसा रहेगा, खुला रहेगा। आप कभी वोल्ट मीटर को पीछे से देखिए, इसमें दो वायर लगाने की जगह होती है। अगर दो वायर लगाने की जगह होती है, लेकिन हमको क्या है केवल कॉपर का निकालना है, तो हमारे पास तो एक ही वायर है। अगर वायर का दूसरा हिस्सा वोल्ट मीटर के लिए खाली है तो मैं देखूंगा कि वोल्ट मीटर पे कोई भी रीडिंग आने वाली नहीं है। इसका मतलब है या तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव शून्य है और या अभी हम कॉपर के इलेक्ट्रॉन विभव को ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा शायद कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव ना निकलता हो या मानक इलेक्ट्रॉन विभव ना निकलता हो, मैंने कॉपर की जगह पर जिंक की प्लेट को डुबा दिया। फिर मैंने जिंक की प्लेट से एक वायर को बांधते हुए वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, जबकि वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास कोई वायर नहीं था या कोई दूसरा टर्मिनल भी नहीं था, मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने जिंक के वोल्टेज को देखा, ऐसी समय पर जिंक का वोल्टेज भी कितना आ गया, जीरो। अब मैं क्या सोचता हूं, जिंक का भी मानक इलेक्ट्रॉन विभव शून्य है। मैंने तीसरी मेटल को रख दिया जिंक की जगह पर, चौथी मेटल को रख दिया, लेकिन मैंने एक रिजल्ट हमेशा पाया कि मैं मीटर को लगातार चेंज करते चला गया, लेकिन वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक था वो हमेशा कितना रहा, जीरो। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि वोल्ट मीटर सबके हर एक मीटर के विभव को जीरो तो नहीं दिखाता। क्या हर एक मीटर का विभव जीरो होता है, या हमने वोल्टेज को या विभव को नापने में कोई गलती कर दी है। तो बेटा हमने वोल्टेज या विभव को नापने में एक गलती कर दी है। क्या कर दी है कि वोल्ट मीटर में अगर दो इंड होते हैं वायर को कनेक्ट करने के,
तो हमें दोनों एंड को अलग अलग इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना चाहिए। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रोड से वोल्टमीटर के एक एंड को कनेक्ट किया है, मुझे क्या करना चाहिए था, वोल्टमीटर के दूसरे एंड से दूसरी प्लेट को कनेक्ट करना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम है, अगर मैं वोल्टमीटर से, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं ए, यहां ए प्लेट को डुबाया गया, वहां प्लेट बी को डुबाया गया, और फिर दोनों प्लेटों से मैंने वोल्टमीटर को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं दो अलग अलग प्लेटों से गए वायरों को वोल्टमीटर से कनेक्ट करता हूं, मैं इस बात को तुरंत चेक करता हूं कि वोल्टमीटर में कुछ पाठ्यांक आ गया है, इसने कुछ रीडिंग देना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब अब हमारा वोल्टमीटर सही ढंग से कनेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है, अगर वोल्टमीटर में मैं थोड़ी देर के लिए देखता हूं कि 2 वोल्ट की रीडिंग आती है, अब मैं परेशान हूं इस चीज को कि 2 वोल्ट भी जो आया है यह किसका विभव है, प्लेट ए का विभव है या यह विभव प्लेट बी का है, क्योंकि जब मैं एक प्लेट को कनेक्ट कर रहा था वोल्टमीटर पे कोई रीडिंग नहीं आ रही थी, जैसे मैंने दो अलग अलग प्लेटों को एक दूसरे से कनेक्ट किया थ्रू वोल्टमीटर, मैंने देखा वोल्टमीटर पे रीडिंग आनी स्टार्ट हो गई। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर है कि अगर ये जो 2 वोल्ट निकला है वोल्टेज, मैं कैसे पहचानूं ये ए का विभव है या बी का विभव है, तो बेटा मैं बता दूं, वोल्टमीटर नापता है विभवांतर को। विभवांतर क्या है, ये प्लेट ए का इलेक्ट्रोड विभव और प्लेट बी के इलेक्ट्रोड विभव का क्या है, अंतर है। प्लेट ए के विभव और प्लेट बी के विभव का जो डिफरेंस है ये वो है। तो मैं प्लेट ए और प्लेट के बी के विभव के डिफरेंस को नाप के 2 वोल्ट बता रहा हूं। अब प्लेट ए और प्लेट बी के विभव के डिफरेंस को 2 वोल्ट कहा गया तो मेरे लिए परेशानी का सब्जेक्ट है, मुझे ए का अलग अगर वोल्टेज मिल जाता, ए का अलग मानक इलेक्ट्रोड विभव मिल जाता और बी का अगर अलग मानक इलेक्ट्रोड विभव मिल जाता, तो मैं एक इंडिविजिबल अकेली धातु का इलेक्ट्रोड विभव बता सकता था। तो वैज्ञानिकों के लिए प्रॉब्लम हो गई, किसी एक धातु के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वोल्टमीटर तो रीडिंग तब देता है जब आप 2 इलेक्ट्रोडों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो, इसलिए किसी एक धातु के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर पाना अत्यंत कठिन हो गया। यह 2 वोल्ट कब आया होगा, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ए का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा 5 वोल्ट और बी का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा 3 वोल्ट, तभी इन 2 वोल्टमीटर पर 5 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट कितना वोल्ट आया है, 2 वोल्ट। अभी मैं क्या समझता हूं, इस 2 वोल्ट को देखकर यह कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या वोल्टेज अलग अलग 5 और 3 वोल्ट थे इसके, कि 4 और 2 वोल्ट थे, कि 6 और 4 वोल्ट थे, इन दोनों के अलग अलग विभव का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तब वैज्ञानिकों ने किसी भी एक धातु के इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोड का निर्माण किया। उस इलेक्ट्रोड की सहायता से हम किसी भी एक धातु के इलेक्ट्रोड विभव की या मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना आसानी से कर सकते थे। अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना आसानी से कर सकते थे तो उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या था, बेटा उस इलेक्ट्रोड का नाम था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब अगर हमसे कोई पूछता भी है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों बनाया गया, मैं एक जनरल सी आपको बात बता देता हूं, किसी भी एक इलेक्ट्रोड के विभव को वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता है, अतः हमें किसी इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता होती है। तो मुझे जिस भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना होगा मैं उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से कनेक्ट कर दूंगा, और जैसे ही मैं अपने इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करूंगा जो भी विभव आएगा वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नहीं होगा, जो मैंने इलेक्ट्रोड लगाया ये उसका विभव होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कनेक्शन बाद में, लेकिन सबसे पहली चीज कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को तैयार कैसे किया जाए। तो अब मैं इसको हटा देता हूं, मैं बात करता हूं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मानक
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे पहली बात, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर मैंने बनाया है तो मैं सबसे पहले यह लिखना चाहूंगा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कार्य क्या करता है, आखिर इसका यूज क्या है इस दुनिया में, हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्यों बनाए पड़े हैं। तो मैं यहां लिखता हूं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके द्वारा हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड के विभव को दूसरे इलेक्ट्रोड के विभव को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमसे कोई पूछता भी है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करता है क्या है, तो बेटा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कुछ भी नहीं करता है, केवल एक काम। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रोल है सपोर्ट करने का, किसको सपोर्ट करने का, दूसरे इलेक्ट्रोड का। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसके द्वारा हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड के विभव को आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, आसानी से निकाल सकते हैं, एक तो यह चीज हो गया। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव भी तो होगा कुछ, इसका विभव क्या माना जाता है। तो मैं अगली लाइन पे लिख देता हूं इस इलेक्ट्रोड के विभव को, प्रायोगिक रूप से शून्य माना जाता है, अगर शून्य माना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कभी कोई व्यक्ति पूछता है कि प्रायोगिक दृष्टिकोण से अगर आप देखते हो तो मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो बेटा इसका विभव होता है शून्य। अच्छा, क्योंकि इसका विभव शून्य माना जाता है, दूसरे इलेक्ट्रोड के विभव को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दो मिनट के लिए इस आर्टिकल को देखते हैं। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रोड बनाया ये, और मैंने एक इलेक्ट्रोड और बनाकर तैयार किया, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को SHE के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने यहां से भी वायर लिया, मुझे इस इलेक्ट्रोड का विभव निकालना है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मेरा ये वाला इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, ए, और यह तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। मैं इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट कर देता हूं। मैंने एक वोल्ट मीटर से दोनों इलेक्ट्रोडों को कनेक्ट कर दिया है। अब क्योंकि इलेक्ट्रोड ए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ा है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, जीरो। ऐसी सिचुएशन पे वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आएगी, वोल्ट मीटर पे 2 वोल्ट आ गई रीडिंग, क्योंकि SHE का विभव जीरो है, इसलिए जो भी 2 वोल्ट आया है वो किसकी रीडिंग है, ए की। धातु ए का मानक इलेक्ट्रोड विभव 2 वोल्ट, क्योंकि बेटा अगर इसमें क्या आता है वोल्टमीटर, विभव का अंतर, अगर विभव का अंतर आता है इसका विभव कितना है, जीरो। जीरो का मतलब उसका तो विभव ही नहीं है। अगर विभव नहीं है तो जो वोल्टमीटर पे रीडिंग आ रही वो इस धातु की है। अभी सोचो अगर मैं मुझे किसी दूसरी बी धातु की मानक इलेक्ट्रोड विभव देखना होगा, तो मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ए धातु की जगह पर मैं कौन सी धातु को डुबा दूंगा, बी धातु को। अब
मैंने माना कि वोल्ट मीटर पर 1.5 वोल्ट की रीडिंग आ रही, ये किसका होगा रीडिंग? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रीडिंग होगी कि धातु बी का वोल्टेज होगा? तो मुझे पता है ये धातु बी का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड विभव है। तो एक आसान सी चीज है, जब भी किसी धातु का हमें विभव चाहिए होता है, जब भी किसी धातु के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव चाहिए होता है, हम उस धातु को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अर्थात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एक वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। वोल्ट मीटर पे जो भी रीडिंग आती है वो उस धातु की होती है जिस धातु को मैंने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ रखा है। तो ये कनेक्शन का तरीका हो गया, निकालने का तरीका हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाकर कैसे तैयार करूं? आखिर कौन कौन सा केमिकल चाहिए, कौन सा मेटल चाहिए? और ऐसी सिचुएशन पे हमें वायुमंडलीय दाब को आरोपित करने के लिए कौन सी गैस चाहिए, ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो मैं सबसे पहले इसकी संरचना लिखता हूं, इसे बनाकर कैसे तैयार करना है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सबसे पहले बात होगी संरचना क्या है। पहले मैं संरचना बनाकर दिखा देता हूं, फिर मैं इसको लिखा देता हूं। देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को निकालने के लिए सबसे मुझे पहले एक पात्र चाहिए। मैं इस पात्र में कांच के एक जार को उल्टा करते हुए, कांच के एक जार को उल्टा करते हुए रख दूंगा। कांच के इस जार में एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, मुझे एक छिद्र करना पड़ेगा ताकि मैं हाइड्रोजन गैस को इस छिद्र से अंदर इंटर करा सकूं। यह छिद्र कौन सी गैस को अंदर लेके जाएगा? हाइड्रोजन गैस को। यह हाइड्रोजन गैस जाएगी और जो इस कांच के बर्तन में नीचे की ओर सॉल्यूशन भरा है उस सॉल्यूशन पर एक वायुमंडल का दाब आरोपित करेगी। ध्यान रखने वाली बात है, यह सॉल्यूशन किसका रहेगा? तो बेटा यह सॉल्यूशन रहने वाला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा जल में घोलते हुए। एक और चीज है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कितनी मात्रा को जल में घोला जाए या कितनी सांद्रता रखी जाए, तो बेटा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता है वो 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। 1 मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है 1 मोल प्रति लीटर की सांद्रता वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुझे इस बर्तन पर क्या कर देना है? भर देना है। अब इस पात्र में भरने के बाद मुझे एक प्लेटिनम का वायर चाहिए। मैं प्लेटिनम के वायर को प्लेटिनम की ही एक पत्ती से बांधकर, ध्यान रखना है वायर भी किसका चाहिए? प्लेटिनम का तार होना चाहिए। और एक चीज कि प्लेटिनम की तार से प्लेटिनम की ही एक पत्ती जुड़ी होनी चाहिए। अब एक प्रॉब्लम आती है, सर जी अगर हम जिंक धातु के छड़ को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन पर डुबाते थे आप इलेक्ट्रोड का नाम जिंक बोलते थे, जब मैंने कॉपर धातु की प्लेट को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाया आपने कहा ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। अगर सिल्वर धातु की मेटल को आप सॉल्यूशन पर डुबाते आप कहते ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड है। लेकिन यहां पर प्लेटिनम धातु के तार से प्लेटिनम की पत्ती को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबाया गया है, हम इसे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड नहीं कह रहे हैं, हम इसे कौन सा इलेक्ट्रोड कह रहे हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसका नाम ऐसा चेंज क्यों? अगर आप धातु के बेसिस पर इलेक्ट्रोड का नाम देते हो तो यहां तो धातु का नाम प्लेटिनम है, फिर इसका मानक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होना चाहिए, लेकिन इसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसका नाम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों है? बेटा होता क्या है, जब मैं हाइड्रोजन गैस को अंदर इंटर कराता हूं कांच के उस बल्ब में तो प्लेटिनम धातु पर एक विशेष नेचर होता है। यह ज्यादा रिएक्टिव तो नहीं होती है लेकिन प्लेटिनम धातु पर एक नेचर होता है अधिशोषण का। अधिशोषण क्या नेचर है? अगर कोई प्लेटिनम धातु की पत्ती है तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम धातु की पत्ती के कॉन्टेक्ट पे आती है यह प्लेटिनम धातु अपनी सरफेस पर हाइड्रोजन गैस को चिपका लेती है। हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम धातु की पत्ती की सतह पर पूर्ण रूप से चिपक जाना या पूर्ण रूप से ढक लेना
इस घटना को कहते हैं अधिशोषण। अभी ध्यान दो, धातु की तो मैंने प्लेटिनम धातु की ही पत्ती को इस्तेमाल किया था, लेकिन इस पूरी प्लेटिनम धातु की पत्ती पर कौन चिपक गया है? हाइड्रोजन। अब क्योंकि प्लेटिनम धातु की पत्ती पर हाइड्रोजन गैस चिपक कर रह गई है, अर्थात अब इसका प्लेटिनम कार्य नहीं कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन से पूरी तरीके से कवर हो गई है, ढक गई है। हाइड्रोजन गैस से कवर होने के कारण हमने इसका नाम क्या रखा? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन गैस क्या वर्क करती है, बहुत ही ध्यान रखना है। हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम धातु की पत्ती की सतह पर अधिशोषित हो जाती है, चिपक जाती है, जमने लगती है और प्लेटिनम धातु की पूरी सतह को घेर लेती है। अब इलेक्ट्रोड का काम प्लेटिनम धातु की पत्ती तो नहीं कर पाएगी, क्यों? प्लेटिनम धातु की पत्ती तो हाइड्रोजन गैस के अंदर है, बाहर सतह पर कौन है? हाइड्रोजन गैस। यही इलेक्ट्रोड का कार्य करेगी, इसलिए हमने इस इलेक्ट्रोड का नाम रखा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने में आपने हां मैं ये भी लिख सकता हूं, ये क्या है? कांच का जार, ये कांच का ही बल्ब है। बल्ब। अब मैं लगभग जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है इलेक्ट्रोड से रिलेटेड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेटेड, मैं उतनी सब बातें संरचना में लिखे देता हूं। देखो मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए एक पात्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एक मोलर विलयन को लेकर उसमें प्लेटिनम धातु की पत्ती को प्लेटिनम के ही तार से बांधकर बांधकर विलयन में डुबा देते हैं। पत्ती को डुबा दिया गया था। हाँ, एक और चीज लिखनी है मुझे, डुबा देने के बाद मैंने उस पर कौन सी गैस को भेजा? हाइड्रोजन गैस को भेजा, जो लिक्विड की सरफेस पर एक वायुमंडल का दाब भी आरोपित करे और प्लेटिनम की सतह पर भी चिपक जाए, तथा कांच के बल्ब के अंदर हाइड्रोजन गैस ब्रैकेट के अंदर H2 को एक वायुमंडल दाब के साथ भेजा, भेजा। ये मेरे लिए क्या हो गई संरचना की, मैंने एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया। मैं एक मिनट के लिए दोबारा से रिपीट कर दूं, हमने कांच के एक बल्ब को उल्टा करके जार पे रखा,
जार में एक मोल पर लीटर की सांद्रता वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरकर मैंने प्लेटिनम धातु की एक पत्ती को प्लेटिनम के ही तार से बांधकर लटका दिया, जबकि हाइड्रोजन गैस को भी एक वायुमंडल दाब के साथ उस कांच के जार के अंदर भेजते रहे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक तो वायुमंडलीय प्रेशर भी अप्लाई करती रहेगी और साथ में एक काम और करेगी कि यह प्लेटिनम की सतह पर चिपक कर अधिशोषित होकर प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को चेंज कर देगी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। अब मुझे यह पता चल गया कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे तैयार करते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड संरचना हो गई, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मैंने यूज पढ़ लिया। अब बात आती है कि अगर मुझे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विषय में और भी जानकारी चाहिए कि आखिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मैं एक किसी मेटल का इलेक्ट्रोड विभव निकाल के आपको दिखाता हूं, तो मैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहने दूंगा, मैं इसकी सहायता से किसी एक इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को निकाल के दिखा देता हूं। तो मैं इसे हटा देता हूं। अब क्योंकि मुझे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किसी इलेक्ट्रोड के विभव को निकालना है, मैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा रहने दूंगा। जनरली अपने यहां दो इलेक्ट्रोडों की ज्यादा बात होती है, कॉपर का इलेक्ट्रोड और जिंक का इलेक्ट्रोड। मैं कॉपर या जिंक किसी के इलेक्ट्रोड को निकाल के दिखा दूंगा। कैसे निकालना है एक्सपेरिमेंट है, हालांकि इसको ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे मैं क्या कर रहा, मैं कॉपर का निकाल के दिखा देता हूं। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कॉपर के इलेक्ट्रोड का विभव चाहिए तो आपने पहले ही पता कर ले रखा था कि कॉपर का इलेक्ट्रोड कैसे बनता है। आप कॉपर की एक मेटल को लाओगे और कॉपर की एक मेटल को वायर से कनेक्ट करते हुए आप इस कॉपर की धातु को कॉपर सल्फेट के जली विलयन से भरकर इसे कॉपर की प्लेट को डुबा दोगे। अब कॉपर सल्फेट के विलयन पर कॉपर की प्लेट डुबा दी है तो यह कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया, एक वायर कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया। अब मुझे क्या कर लेना है, एक वोल्ट मीटर लेना है ताकि मैं कॉपर के इलेक्ट्रोड का विभव निकाल सकूं। वोल्ट मीटर पे क्योंकि दो टर्मिनल होते हैं, आप एक टर्मिनल से कॉपर वाले इलेक्ट्रोड का वायर बांध दोगे और दूसरे टर्मिनल पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वायर बांध दोगे। आप जैसे ही वायर दोनों को कनेक्ट करोगे, आप एक वायर को जब कनेक्ट करोगे कोई रीडिंग नहीं, वोल्ट मीटर पे 0.00 वोल्ट, लेकिन जैसे ही आपने दूसरा इलेक्ट्रोड अर्थात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते ही इसमें कुछ वोल्टेज आ जाएगा। मैंने मान लिया, ऐसे मान लेते हैं 0.4 वोल्ट आ गया। अभी मैं क्या सोचता हूं, मैंने एक लाइन पर लिख रखा था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, जीरो, क्योंकि इसका विभव जीरो होता है, तो उसका तो विभव जीरो हो गया। ये 4.4 वोल्ट जो है ये किसका विभव है, तो बेटा बात आती है ये विभव किसका है, कॉपर का है, क्योंकि उसका तो जीरो ही था। तो जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही है वो रीडिंग किसकी है, कॉपर के इलेक्ट्रोड की विभव की। अब आप इसको ध्यान रखिए, अगर आपको जिंक इलेक्ट्रोड के विभव की रीडिंग चाहिए, आप कॉपर की जगह पे कौन सी रॉड को डाल दोगे, जिंक रॉड को, और विलयन काहे का भरोगे, जिंक सल्फेट को, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव आ जाएगा। अब जिंक के बाद अगर आप किसी दूसरी मेटल का भी इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहते हो उसका भी निकल आएगा। आप जिंक जगह पर दूसरी मेटल को रख दीजिए, दूसरी की जगह तीसरी मेटल को रख दीजिए, लेकिन आप जैसे ही कॉपर को रिप्लेस करके जितनी भी मेटल को रखते जाओगे इस मेटल का ही इलेक्ट्रोड विभव आता रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है, शून्य होता है। तो अच्छा, वैज्ञानिकों का काम भी है कि ये लगातार रिसर्च करते रहते हैं। जब उन्होंने किसी एक इलेक्ट्रोड के विभव को या एक इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को निकालना सीख लिया, तब वैज्ञानिकों ने बहुत सारी मेटल्स, बहुत सारी धातुओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभवों की गणना शुरू कर दी, प्रारंभ कर दी, और वैज्ञानिकों ने तरह तरह की धातुओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव को निकालना प्रारंभ किया। और जब मानक इलेक्ट्रोड विभव को निकालना प्रारंभ किया तो मुझे मानक इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के मिलने स्टार्ट हुए।
कौन कौन से मानक इलेक्ट्रॉन व्यवहार निकलना स्टार्ट हुए? कुछ मानक इलेक्ट्रॉन व्यवहार ऋणात्मक निकलना स्टार्ट हुए और कुछ मानक इलेक्ट्रॉन व्यवहार धनात्मक निकलने स्टार्ट हुए। अब मेरे लिए प्रॉब्लम यह थी कि ये मानक इलेक्ट्रॉन व्यवहार के कभी कभी मान निगेटिव होते हैं और कभी कभी मानक इलेक्ट्रॉन व्यवहार के मान कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव क्यों होते हैं? तो बेटा बड़ा आसान सी चीज है, इलेक्ट्रोडों पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे मैंने कॉपर को यहां से कनेक्ट किया और जब कॉपर को मैंने कनेक्ट किया तो मैं इस बात को जानता हूं कॉपर पर दो प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है, या तो अपचयन की अभिक्रिया हो सकती है या तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो सकती है। अगर अपचयन की अभिक्रिया हुई, ऐसी सिचुएशन पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा उस वोल्टेज को हम कहेंगे मानक अपचयन विभव। अगर कॉपर का ऑक्सीकरण होता भाई, क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों में से कुछ भी हो सकता था, अपचयन होगा तो जो वोल्टेज आएगा मानक अपचयन विभव, और ऑक्सीकरण अगर होता और जो वोल्टेज आता मैं ऐसे विभव को कहता मानक ऑक्सीकरण विभव। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन विभव कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा हो सकता है? सॉरी, पहला हो सकता है मानक अपचयन विभव और दूसरा हो सकता है मानक ऑक्सीकरण विभव। अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है मानक ऑक्सीकरण विभव, अपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है मानक अपचयन विभव। हां, दोनों में रिलेशन क्या है? ऑक्सीकरण विभव मानक अपचयन विभव में रिलेशन क्या है? आखिर संबंध क्या है दोनों में? बेटा दोनों में संबंध यह है, परिमाण दोनों के आपस में बराबर होते हैं। परिमाण दोनों के आपस में बराबर रहेंगे परंतु यह चिन्ह में कैसे रहेंगे? विपरीत। अर्थात अगर किसी धातु का मानक अपचयन विभव पॉजिटिव है तो उसी धातु का मानक ऑक्सीकरण विभव कैसा होगा? निगेटिव रहेगा। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, यदि किसी भी धातु का मानक अपचयन विभव पॉजिटिव के साथ सिंबल के साथ आता है तो उस धातु का मानक ऑक्सीकरण विभव निकालने पर वो मानक ऑक्सीकरण विभव कैसा होगा? निगेटिव। जैसे अगर मेरे पास कोई धातु एक्स है, इसका मानक अपचयन विभव 2.30 वोल्ट है या +2.30 वोल्ट है, ये कौन सा विभव है? मानक अपचयन विभव। मैं एक काम कर लेता हूं, मानक अपचयन विभव को कैसे लिखते हैं? मानक विभव को लिखते हैं ई नॉट से, अपचयन कह रहा है तो रिडक्शन। मानक अपचयन विभव को अगर हमने लिखा है 2.30 वोल्ट इसी मेटल के लिए, ई नॉट ऑफ ऑक्साइडेशन, जो मानक ऑक्सीकरण विभव होगा वो माइनस का 2.30 वोल्ट होगा। अभी मैं क्या सोचता हूं, मुझे एक नंबर और नोट पर इस बात को अपने यहां लिख लेना चाहिए और मुझे हमेशा के लिए ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी धातु का मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव के मान आपस में बराबर होते हैं, परंतु ये दोनों मान चिन्ह में कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं, जस्ट अपोजिट नेचर पे चले जाते हैं चिन्ह में। यदि किसी भी धातु का मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा है तो फिर उस धातु का मानक ऑक्सीकरण विभव सबसे कम होगा। एक ही धातु पर दो प्रकार के विभव निकाले जा सकते हैं, मानक अपचयन विभव मानक ऑक्सीकरण विभव। ये दोनों विभव आपस में बराबर होते हैं परंतु चिन्ह में कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। अभी आप समझ गए होंगे मानक अपचयन विभव कब निकलता है, जब इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा हो? अपचयन। और जब इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है तो उसके द्वारा निकाला गया विभव कहलाता है मानक ऑक्सीकरण विभव। अब यह तो हो गया अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव के बेसिस पर। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि बहुत सारी मेटल्स के लिए, बहुत सारी धातुओं के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव की गणना चालू कर दी, प्रारंभ कर दी विद हेल्प ऑफ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अभी यहां बनाया था उसकी सहायता से मैंने कॉपर का निकाल के दिखाया, वैज्ञानिकों ने जिंक सिल्वर लोहा चांदी हर एक चीज का निकालना चालू कर दिया और उन्होंने बहुत सारी धातुओं के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव की के मान प्राप्त कर लिए।
जब उन्होंने बहुत सारे मानक इलेक्ट्रॉन विभव के मान प्राप्त कर लिए तो उन्होंने इस बात को देखा कि किसी धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कम है और किसी धातु का जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है वो अधिक है। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर सभी धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉन विभव अलग अलग प्राप्त होते हैं तो मुझे इन्हें किसी एक निश्चित अरेंजमेंट में लिख लेना चाहिए, या तो मुझे मानक इलेक्ट्रॉन विभव को बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना चाहिए और या तो मुझे मानक इलेक्ट्रॉन विभव को घटते हुए क्रम में लिख लेना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन विभव को बढ़ते क्रम में सेट करके हमें उन धातुओं को लिख लें, या इलेक्ट्रॉन विभव के घटते हुए क्रम में सेट करके उन धातुओं को लिख लें। तो उन्होंने मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम में धातुओं को अरेंज करना स्टार्ट किया और जब अरेंज किया तो धातुओं की पूरी एक श्रेणी बनकर तैयार हो गई। धातुओं की बनी इस श्रेणी को कहा गया विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग अपने लेक्चर पर मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इस बात को भी पढ़ा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के विभव को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और एक चीज बता पढ़ा कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से दूसरी धातु का इलेक्ट्रोड विभव निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन विभव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा? मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव। ध्यान रखने वाली बात है, मानक अपचयन विभव का प्राप्त होता है जब इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, अपचयन, और मानक ऑक्सीकरण विभव का प्राप्त होता है जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। तो हम आज के अपने लेक्चर पर बस इतनी ही चीजों को रखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी और गैल्वेनिक श्रेणी हम अपने आगे के लेक्चर पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हमारे लिए केवल इतना ही लेक्चर है, आप इन चीजों को तैयार करें, जो भी समझ में नहीं आता है आपको मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता दीजिए, मैं उन्हें समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, धन्यवाद।